वेल, इंडिया इंग्लैंड सीरीज होने से पहले हम लोग का साउथ अफ्रीका दौरा था और वहाँ पे सिर्फ दो टेस्ट सीरीज हुआ था और उसमें एक टेस्ट सीरीज हम लोग जीते थे और एक हारे थे। तो उन्हीं पे बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर को कहना था कि एटलीस्ट यार आप 3 टेस्ट मैच सीरीज करवाओ, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरा ना बहुत ही रेयर होते, बहुत सालों के बाद होते हैं। उस केस में आप 2 ही टेस्ट सीरीज करवा रहे, उसमें क्या ही रिजल्ट निकल के आएंगे। वेल, वैसे ही हुआ, एक टेस्ट इंडिया ने जीता, एक टेस्ट साउथ अफ्रीका ने जीता। उसी पे रोहित शर्मा ने बोला, आमतौर पर पहला टेस्ट हम लोग हारते हैं और फिर दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट में बढ़त हासिल करते हैं, इसलिए मैं काफी निराश था कि हमने साउथ अफ्रीका में केवल 2 मैच के टेस्ट सीरीज ही खेल पाए। और ये जो दूसरा बात रोहित शर्मा ने बोला ना जियो सिनेमा पे मैच खत्म होने के बाद, वो जो लोग रोहित शर्मा के एज के बारे में नहीं बोल रहे कि भाई इनका एज हो गया, अब ज्यादा फॉर्म में नहीं है, अब अच्छा भी नहीं खेल पाते हैं, या इनका आईपीएल या T20 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो उसी पर रोहित शर्मा ने भाई आंसर शीट रेडी कर लिया है। तो आप लोग इनका आंसर शीट सुनो। उन्होंने कहा, अगर एक दिन मैं जागूंगा और अच्छा महसूस नहीं करूंगा क्रिकेट के प्रति, तो मैं क्रिकेट से दूर हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं पिछले 2-3 सालों में मैंने अपने खेल में सुधार किया है। तो ये बयान ऑब्वियसली यार उन सब के लिए है जो बोलते हैं ना कि एज वगैरह हो गया इनका। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपको, ये बयान बहुत ज्यादा ही भावुक बयान था यार।